हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल लार्न स्टिचिंग में स्वागत है। आज हम ब्लाउज का डिजाइन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए देखिए, हमने मोढ़े को काट लिया है। शोल्डर हमारी 5.5 इंच है, लंबाई हमारी 13 इंच है, चौड़ाई हमारी 9 इंच है। और यहाँ पर देखिए, 5 इंच पर हमने मोढ़े का निशान लगाकर काटा है। अब हम ऊपर से 2.25 इंच गले के लिए लेंगे और यहाँ पर गले की डिपनेस हम 9 इंच रखेंगे। तो 9 इंच पर पहले निशान लगा लेते हैं। अब हम यहाँ से बॉक्स बना लेंगे। नीचे हम 1 इंच पर और निशान लगाएंगे और यहाँ से देखिए, हम इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। यहाँ से हम पान गले का शेप देंगे इस तरह से, देखिए। तो देखिए, हमने इस तरह से शेप दे दिया है और अब हम इसे काट लेंगे। तो देखिए, हमने इसे काट लिया है और यहाँ पर बीच का पैटर्न भी काट लिए हैं। ब्लाउज के कपड़े को रखते हुए बराबर से हम साड़ी वाले कपड़े को भी काट लेंगे। और यहाँ पर देखिए, हमने पेस्टी पेपर ले लिया है और डबल फोल्ड पेस्टी पेपर को रखते हुए हम इस पैटर्न को निशान लगा लेंगे। आगे से सेम निशान रहेगा और पीछे से 1/2 इंच का मार्जिन रखते लेते हुए हम निशान लेंगे। तो देखिए, हमने इसे काट लिया है। ये हमारा गला कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, हमने जो पैटर्न लिया था उसे भी हम अच्छी तरह से एक पेस्टी पेपर के टुकड़े पर पाल लिए हैं और अब हम इसे काट लेंगे। इस पैटर्न को भी हम दूसरे कपड़े पर काट लेंगे। यहाँ पर ब्लाउज के कपड़े को अच्छी तरह से पहले फैला लेंगे, उसके ऊपर पिन अटैच कर लेंगे और अब हम ऊपर से गले की सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल लिए हैं। हल्का हल्का कट लगा लेंगे पूरे गले पर और अब हम इसे पलट लेंगे। अच्छी तरह से यहाँ पर हम पलट लेंगे। तो देखिए, हमने इसे पलट लिया है और अब हम अस्तर और ब्लाउज के कपड़े को मिलाते हुए सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, हमने जो पैटर्न लिया था उसे हमने आयरन से चिपका लिए हैं अच्छी तरह से और अब हम इसे काट लेंगे। तो देखिए, हमने काट कर इसे एक कपड़े पर रखते हुए सिलाई कर लिए हैं। यहाँ पर हम पाइपिंग लगा लेते हैं। तो देखिए, हमने इसे काट लिया है। ये दोनों पैटर्न हमारा बनके इस तरह से तैयार हो गया। यहाँ पर हमने जो बीच का पैटर्न काटा था उसे भी आयरन से अच्छी तरह से हम चिपका लिए हैं। एक अस्तर के कपड़े पर रखते हुए हमें सिलाई कर लिया है और अब हम इसे पलटते हुए सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, हमारा ये पैटर्न बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर देखिए, हम एक पट्टी लिए हैं, इसे हम देखिए ऊपर से हम लेस की तरह मोड़ लेंगे और यहाँ पर देखिए, हमने इस पैटर्न को ही बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से पहले अटैच करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम ब्लाउज का बीच सेंटर कर लेते हैं, मार्किंग कर लेंगे और इस मार्किंग के ऊपर इस मार्किंग को मिलाना है इस तरह से रखते हुए, देखिए। और देखिए, इस तरह से हम पिन अटैच कर लिए हैं और अब हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने सिलाई लगा लिया है। तो देखिए, हमारा यहाँ पर इस तरह से बना। यहाँ पर नीचे का दोनों प्लेट डाल लेंगे और अब हम पूरे गले पर लैस लगा लेते हैं। नीचे हमने एक और कपड़ा लिया है।
तो देखिए हमारा डिजाइन बनकर तैयार हो गया। आपको ये डिजाइन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।